वेलकम टू कॉर्न पॉप। सर, हाथ धोकर मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं? नहीं करवाऊंगा साइन। मेजिया, मैं पीछे गला और तुम मुझ पर गुस्सा निकालते हो। सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए। डरा दिया, मजा आ गया। टाटे हो, ये क्या तरीका है मजाक करने का? कचरे में क्या फेंक रहे थे मिचियो? कुछ नहीं, तुमसे मतलब क्या? वैसे तो मैं समझ गया हूँ कि वो तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड है जिसपे अंकल आंटी की साइन होनी है। कल साइन जरूर लेकर आना मिचियो। टाटे हो तो सका, साइन नहीं लाओगे तो सर को ही भेज दूंगा तुम्हारे घर। ये टाटे हो अपने काम से काम क्यों नहीं रखता है? जब देखो परेशान करता रहता है। एक दिन ऐसा सबक सिखाऊंगा कि हमेशा याद रखेगा। मम्मी, मैं आ गया। कचरे के डिब्बे से अपना रिजल्ट उठाकर लाए या नहीं? आपको कैसे पता मम्मी? टाटे थोड़ी देर पहले बता कर गया है। और कितनी बार तुमने कचरे के डब्बे में रिजल्ट फेंके हैं? टाटे हो तो साका, तुम मेरे पीछे क्यों पड़ा है? मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मिचियो, तुम्हारा दोस्त तुमसे मिलने आया है। आने दो, आज तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। ये ले। क्या हुआ? मैं तो तुम्हारी मदद करने आया हूँ। मैं तो आंटी को ये बताने आया हूँ कि मिचियो क्लास में फर्स्ट आया है। वो तो किसी और का रिपोर्ट कार्ड लाया है जिससे वो खुद कंफ्यूज हो गया था। मैं आपको गलत बातें बता रहा था, मुझे माफ कर दो आंटी, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ। क्या बात कर रहे हो टाटे हो, तुम तो बहुत अच्छे हो। मैं तुम्हें गलत समझता रहा, मुझे माफ कर दो मेरे भाई। मेरे भाई, सारी दुनिया मुझे गलत समझती है, सिर्फ तुम ही मुझे समझ पाए। मैं तुम्हारा ऐसा कभी नहीं भूलूंगा। अच्छा, मैं जा रहा हूँ। तुम मुझे नहीं जानते मिचियो, इस बार ऐसा रॉकेट लगाऊंगा कि तुम जिंदगी भर उड़ते रहोगे। और उसके बाद तुम मुझे कभी नहीं भूल पाओगे, बस एक टांग पे खड़े होके मुझे याद करते रहोगे। मैंने कुछ बोला क्या? क्या बात है यूबी, तुम तो मन के अंदर चल रही बातों को भी जान सकते हो। बीबी, ये एक ऐसी ताकत है जिसे पाने के लिए पुराने जमाने में लोग रात रात भर जग कर ध्यान लगाते थे और वो आग के अंदर बहुत सारा खाना चढ़ाते थे। तब जाकर आग में से एक राक्षस निकलता था और लोगों को ये ताकत देता था। बीबी, बीबी, बीबी। अरे याद आया, आज तो टाकेमी के यहाँ केक खाने जाना है। यूबी, तुम यही रहो, हर जगह तुम्हें साथ चलने की जरूरत नहीं है। क्या मौका मिला है, आज टाकेमी के हाथ के बने केक की इतनी तारीफ करूंगा कि वो रोज मुझे खाने पर बुलाएगी। तुम सब केक खाने के लिए तैयार हो? बीबी, बीबी, तो चलो खाना शुरू करते हैं। बीबी, बीबी, बताओ ना तुम्हें केक कैसा लगा? ये वो बहुत ही टेस्टी है। ए, मिचियो, मेरी लाइन क्यों कॉपी करते हो? मैंने कॉपी नहीं की। झूठ क्यों बोल रहे हो, तुम हमेशा मेरी कॉपी करते रहते हो। मेरी कॉपी करना कब छोड़ोगे? चाहते हो? चाहते हो? जबान संभाल कर बात करो, समझे? सुबह की धुलाई भूल गए हो क्या? फिर से धुलाई करूँ क्या तुम्हारी? मिचियो, ये तुम क्या कर रहे हो? यूबी, ये सब मत करो ना प्लीज। मिचियो, क्या तुम्हें जरा भी पता नहीं कि दूसरों के घर में कैसे पेश आते हैं? वैसे मुझे तुम्हारा ये रूप बहुत अच्छा लगता है। अरे तुम लोग केक क्यों नहीं खा रहे हो, बताओ ना कैसा है? अभी बताता हूँ। केक
बता कि मैं इतना घटिया केक तो मैंने आज तक नहीं खाया। ये मैंने क्या बोल दिया? अभी देखती हूँ। मैंने बिना चीनी के कभी भी इतना अच्छा केक नहीं खाया। हाँ हाँ, ताकि मैं यही तो मैं कहना चाह रहा था। ताकि मैं तुम्हारे टेस्ट को क्या हो गया, बिना चीनी के केक को सिर्फ तुम्हारी जैसी लड़की बढ़िया कह सकती है। ताते हो तो साका, ताकिमी के बारे में सोच समझकर बात कर वरना मुंह तोड़ दूंगा। क्या है कि ताकिमी इतनी प्यारी और अच्छी है कि वो कुछ भी बनाए उसका टेस्ट अच्छा ही होगा ना। केक तो छोटी सी चीज है। बिल्कुल नहीं। अरे मिचियो, तुम मेरी इतनी तारीफ करते हो कि मैं क्या। मिचियो ऐसा नहीं है, जो भी है सच सच बोलो, तुम्हारी तारीफ करने से केक मीठा नहीं हो जाएगा। मैं क्या मैं कुछ बताऊं क्या? हाँ, तुम बताओ ना। ये केक तो बहुत ही बकवास है, बहुत ही घटिया। ऐसे देखते रहने से खजाना निकल नहीं आएगा। तो तुम्हें बता दो कैसे आएगा? किसी को पूछ कर देखते हैं। हाँ, ताकिमी का आइडिया सही है। तुम्हारे पास कुछ आइडिया नहीं है क्या? तुम्हारा दिमाग ही नहीं चलता। ऐसा नहीं है, ऐसा करते हैं, हम खोजना शुरू कर देते हैं। ये नक्शा हम किसी और को दे देते हैं, जब वो खजाना ढूंढ लेगा तो हम अपना हिस्सा मांग लेंगे। चुप कर बाबू। भलाई का तो जमाना ही नहीं है, मैंने गलती की जो नक्शा ला कर दिया इन लोगों को। किसी और को खोजने दीजिए तो हमारे हाथ क्या आएगा? खजाना तो हम खोज के ही रहेंगे दोस्तों। तो दोस्तों खोज में निकल पड़ते हैं। चलो कबाड़ वाला इसके भी पैसे देगा। इतनी देर हो गई, अब तक एक भी ढंग का सुराग नहीं मिला। मिलेगा सुराग नहीं, हमें खजाना मिलेगा। यस, देखा मिल गया ना खजाना, आओ मेरे पीछे। हाँ, ये तो बहुत बड़ा खजाना है। गाय बुच्चो, मैं तो बहुत थक गई हूँ। तो चलो कहीं जाकर बैठते हैं। इतनी देर हो गई, कुछ भी नहीं मिला, कोई अच्छा वक्त देख के निकलना चाहिए था। तुम ठीक तो हो ना? लगता है यही खजाने तक पहुँचने का सही रास्ता है, हम सबको नीचे चलकर देखना चाहिए। हाँ तो चलो। ये तो बहुत ही डरावनी जगह लग रही है। बोल बोल के और मत डरा था कि मैं। अरे डरने की क्या बात। ये तो पेड़ की लटकती जड़ है, इससे क्या डरना। मिचिया, तुम अपना डरपोक पना छोड़ दो, तुम्हारी वजह से मुझे भी पसीना छूट रहा है। तुम्हें क्यों पसीने छूट रहे हैं, तुम्हें तो डर नहीं लग रहा था ना? तातिया मिचिया, अब क्या हुआ? मुझे तो कहना था कि सामने दीवार है। तो बोलना चाहिए था ना। तुम हर काम दो मिनट लेट क्यों करते हो? इसको खाने से फुर्सत मिले तब ना, इसका पेट है कि खजाने तक पहुँचने का रास्ता मिल गया। ये देखो, मुझे पता था कि यहाँ से आगे जाने के लिए एक दरवाजा है, और ये दरवाजा मैंने खोजा है, इसलिए खजाने में से आधा हिस्सा मेरा होगा, बाकी तीनों में बांट लेना। उस आधे में से आधा मेरा होगा। जरा नक्शा खोल कर देखो तो, हम खजाने के कितने नजदीक पहुँच रहे हैं। इस वक्त भी खजाना सुन रहा है। अरे टॉर्च किसके पास है? टॉर्च ऑन करो ना। बच गए।
बच गए हम सब। अरे सब कहाँ गए? मिचियो तुम कहाँ हो? यूपी कहाँ हो तुम? मिचियो, अरे मिचियो, इस तरह की आवाज क्यों निकाल रहे हो? सच सच बताओ, तुम्हारा पेट खराब है क्या? मिचियो बाहर आ जाओ ना, मैं अंदर आ जाऊंगा। लगता है घर से बहुत सारी टॉर्च लेकर निकला है। लगता है मिचियो हमेशा के लिए गायब हो गया। मिचियो यूपी कहाँ हो तुम लोग? ताके में कहाँ हो? ये टाके तो हमें पूरी तरह फंसाने पर तुला हुआ है। यूबी क्या तुम बता सकते हो हम लोग अभी टाके में से कितनी दूरी पर है? इसमें तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा। आ गया, इसमें तो इस भूलभुलैया का पूरा नक्शा दिख रहा है। मैं रेड लाइट हूँ और टाकेमी ब्लू लाइट है, और दो चार राइट लेफ्ट लेते ही हम टाकेमी के पास पहुँच सकते हैं। चलो यूबी जल्दी से उसके पास पहुँचते हैं, देखते हैं किस तरफ जाना है। इस तरफ। अब यहाँ से राइट जाना है। तुमको खजाना मिल गया क्या? हमें तो लग रहा था कि तुम हमेशा के लिए खो गए। ओए मिचियो, तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा है। यूबी ये तुमने किया ना? बहुत अच्छे, रोके रखना यूबी। इधर छुपने की जगह, चलो इस गड्ढे में छुप जाते हैं। इसे यहाँ से कहीं दूर फेंक दो ना। तो निकलने का रास्ता भी बंद हो गया। क्या ये सच कह रहा है यूबी? बताओ ना यूबी। खाने का तरीका नहीं आता क्या? इतनी आवाज क्यों कर रहे हो? बिना आवाज करे कैसे खा सकता हूँ मैं? वैसे भी मुझे अब दर्द हो रहा है ये कचर कचर खा के। अब तो बैग में कुछ बचा भी नहीं है, सिर्फ पानी और दूध है। क्या दूध? मुझे थोड़ा सा दूध दो ना। हाँ हाँ ले लो ले लो। थैंक यू। बीबी हो गया, बुलाऊं सबको? बीबी दोस्तों, मुझे बाहर जाने का आइडिया मिल गया है। आइडिया क्या है? आइडिया तो बस यही है कि हम सबको मिलकर इस पत्थर को यहाँ से हटाना है। कुछ भी क्या बोल रहे हो, इसे हटाने में हमारी हालत खराब हो जाएगी। धक्का लगाओ, मेरी गारंटी है कि ये पत्थर जरूर हटेगा। और अगर नहीं हटा तो क्या करेंगे बताओ? धक्का तो लगाओ, मैं कह रहा हूँ ना। देखा, मैंने कहा था ना हालत खराब हो जाएगी। अरे एक एक बार और ट्राई करते हैं ना, हो जाएगा। मेरी तो ताकत खत्म हो गई, मुझसे कुछ नहीं होगा। मुझे पता था कुछ नहीं होने वाला है। ये तो हिल गया। कैसे पहुँचेंगे? अरे डरो मत, मेरे पास रस्सी है, किले है, बहुत सारा सामान है, काम तो बन ही जाएगा। तो बाहर निकालो ना, मेरा मुंह क्यों देख रहे हो? क्या बात है यूबी? खजाना कहाँ है? वो रहा, वो देखो ऊपर। अरे वाह, जल्दी से उसे उतारो और मुझे आधा हिस्सा दे दो।
बच गए। ये तो इस घर के पीछे ही था। चलो चलो इसे जल्दी खोलो। हाँ इंतजार नहीं हो रहा, जल्दी करो। ताकत दिखा ताकत रहा हूँ। अरे आ जाओ तुम ही ट्राई करो। मेरे तो बाएं हाथ का खेल है। हाँ बीबी ये तो कंचा है हीरा नहीं। कंचों का हम क्या करें? और मेरे पास ये छोटी गाड़ी है बीबी। लेकिन उस किताब में तो ऐसा लिखा हुआ था कि हर नक्शे में खजाना छुपा हुआ होता है। हाँ, कौन सी किताब? मेरे भाई की तीसरी क्लास की किताब में। मुझे तुम पर गुस्सा आ रहा है। तुम्हें तो छोड़ेंगे नहीं। यो बा बचाओ। रात का समा गुल है चंद्रमा, घर पे पहुँच के करूँगा ताक धीना धीना। का समा रात है गुल चंद्रमा। बाय आना कल फिर डॉगी। खोलो दरवाजा नहीं तो जाऊँगा आप पाइप से अंदर मैं। खोलने दरवाजा में टाइम क्यों इतना लगाती हो? जरा धीरे से बोलिए नहीं तो बच्चे जाग जाएंगे। क्या कर रहे हैं पापा, मेरी नींद खराब कर दी आपने। हाँ, मिस्टेक से गलती हो गई। देखो सबके लिए लेके आया हूँ क्या मैं। ये क्या? ये क्या मेरे लिए है? इसे किस लिए लाए हो? मम्मी की मिचियो। नहीं ये फूल है, लाल फूल। लगाएंगे इसको घर में, लगाएंगे बागीचे में, बेचेंगे फूल, कमाएंगे पैसे हम और बन जाएंगे हम अमीर। पर पापा हमारे पास इतना बड़ा बागीचा बनाने की जगह कहाँ है? अरे सवाल करते हो बहुत बेटे। ध्यान से मेरी सुनो बात। जरूरत अभी जगह बहुत बड़ी की नहीं, लाया हूँ सिर्फ एक जड़ खिलाने के लिए ढेरों फूल। है ना कूल? सिर्फ एक? हाँ, क्या कहा टाटे हो? वही जो तुमने सुना मीचियो, हमेशा कोई ना कोई बेकार की बात करते रहते हो। इस डंडी से क्या फूल खिलेगा? गुस्सा मत हो मीचियो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। ये क्या हो रहा है? मीचियो मैं वादा करती हूँ तुम्हारा सबसे पहला फूल मैं ही खरीदूंगी। ताकेमी हम भी तुमसे एक फूल खरीदेंगे। मुंह बंद करो। मीचियो एक बात बताओ, वैसे इसमें फूल खिलने में कितने दिन लगेंगे? वो तो मुझे नहीं पता ताकेमी। सुनो ताकेमी, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ सरप्राइज है। तुम फिर आ गए टाटियो। तुम्हारे लिए कुछ है ताकेमी? तुम्हारे लिए कुछ नहीं है मीचियो, जो भी है सब कुछ ताकेमी के लिए। हाँ? ये फूल वूल का चक्कर छोड़ो, मैं तुम्हें एक अच्छे से फिल्म दिखाता हूँ। हाँ? हाँ? मुझे नहीं देखनी कोई फिल्म, मैं जा रही हूँ। ताकेमी रुको ना, अगर एक भी फूल ताकेमी को दिया तो मैं वो फूल का कचूमर बना के डॉगी को खिला दूंगा। करके तो बता। अच्छा ये बातें तो अब देख, मैं तेरे फूल का क्या हाल बनाता हूँ। ये क्या किया चाहते हो? ये क्या हो रहा है? इस फूल के साथ खेले मैं तो चला। वाह यूबी, थैंक यू। पता नहीं इसमें फूल कब खिलेगा। रात का समा गुल है चंद्रमा। पापा आ गए, चलो उनसे ही पूछते हैं, उन्हें जरूर पता होगा। पापा इसमें फूल कब खिलेगा? मालूम नहीं कब फूल खिलेगा, लेकिन पहले ये पानी तुम्हारा पापा पी लेगा। नहीं नहीं, कहाँ से आ गई डंडी है? पापा ये क्या किया आपने, अगर डंडी भी पेट में चली जाती तो जाता हूँ फूल पापा के पेट के अंदर। यूबी यूबी जल्दी उठो। पापा फूल उग रहा है, मैं स्कूल जा रहा हूँ, इसे संभालना। हाँ पापा पापा पापा। सच कह रहे हो? हाँ फूल उगना शुरू हो गया है। चलो ना घर चल के देखते हैं। ठीक है चलेंगे, घूम जाओ, हम घर पे फूल देखने जा रहे हैं, जिसको आना है आ जाए। बीबी, हाँ, बीबी, बीबी
गया मम्मी, यूबी मैं आ गया। ये कैसे हो गया? ये फूल दुकान से खरीद के लाए और हमें उल्लू बना रहे हो? यूबी क्या तुम इसे खरीद कर लाए हो? तो क्या ये फूल इसी डंडी में से होगा है? हो ही नहीं सकता है, तुम दोनों झूठ बोल रहे हो। रातों रात कोई भी फूल नहीं उग सकता। बीबी जबान संभाल के बात कर टाटियो, यूबी तुम्हारी तरह झूठा नहीं है। मत करो यूबी, अंदर जाके दूध पियो। इसके दूध पीने से फूल उग जाएगा क्या? झूठ बोलना बुरी बात है, कब झूठ बोलना बंद करोगे तुम? मैंने कहा ना, मैंने फूल खेते हुए अपनी आंखों से देखा था। अब अगर ये फूल उगकर डंडी से अलग हो गया तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मेरी कोई गलती नहीं है। अरे सुधर जाओ मिर्चू, ये बड़ी बड़ी बातें फेंकना बंद करो वरना एक दिन तुम भेकुराम कहलाओगे, समझ गए क्या? सारा स्कूल जानता है सबसे बड़ा भेकुराम कौन है। एक तो इतनी बड़ी बड़ी फेंक रहे हो, ऊपर से इतनी बड़ाई मार रहे हो, यहाँ सबको पता है कौन झूठा है। चुप रहो वरना। मैं क्यों चुप रहूँ? तुम चुप रहो। अरे देखो फूल खिल रहा है। देखा दादी हो, मैंने कहा था ना। अब ये कुछ नहीं बोलेगा। ये फूल तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है यूबी। दूध पी लिया ना यूबी? ये तो सच में खिल गया। थैंक यू यूबी। भवरे आवारा गाए हौले हौले। पापा आ गए। बेटे देखो मिचियो लाया क्या मैं लिए तुम्हारे। क्या लाए पापा? रहने वाली मछली कप के अंदर। कप डालो में पानी, मछलियाँ आएंगी अपने आप दो अंदर। आगे वाला खेल और भी बढ़िया है। बीबी बीबी। ओहो कहाँ गई ये नोटबुक? मिल क्यों नहीं रही? यहीं तो रखी थी, कहाँ चली गई? बीबी बीबी बीबी। इसके नीचे देखता हूँ शायद मिल जाए। मैं परेशान हूँ और तुम हंस रहे हो यूबी। बुक नहीं मिली तो सर डांटेंगे। एक ही बहाना साल भर में कितनी बार बनाओगे मीछियो? बाहर जाके एक टांग पे खड़ा हो जाओ। आइडिया यूबी, अब तुम ही मेरी कुछ मदद कर सकते हो वरना मुझे एक टांग पे खड़ा होना पड़ेगा। क्या हुआ, कोई आइडिया आया क्या दिमाग में? इसमें तो कल की बात दिखाई दे रही है। हाँ मैंने अपना होमवर्क पूरा किया, फिर नोटबुक वही टेबल पर छोड़ के कॉमिक्स पढ़ने लगा। कॉमिक्स इतनी बोरिंग थी कि मैं वहीं सो गया, पर अगर नोटबुक मैंने टेबल पर छोड़ी थी तो वही होनी चाहिए ना। अरे हाँ, बीच में मेरी नींद खुली थी और मैं नोटबुक टेबल पर से उठा लाया था और फिर टेबल याद करते करते दोबारा सो गया था। मिल गई, थैंक यू यूबी। अरे बहुत देर हो गई है, भागना पड़ेगा वरना रेडी सर क्लास में आने नहीं देंगे। बाय 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 बाय। कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई यूबी? क्या कर रहे हो? कितना दूध पियोगे? अरे यही तो रखी थी मैंने, फिर कहाँ जा सकती है? कुछ समझ नहीं आ रहा। मिचियो के पापा ने कितने प्यार से दी थी मुझे। ओहो कहीं नीचे तो नहीं गिर गई यूबी? कहीं तुमने तो नहीं खा ली अंगूठी? अरे ये क्या समझेगा अंगूठी। आ रही हूँ आ रही हूँ। चोरी का बिजनेस कब से शुरू कर दिया? ड्रामा मत करो, पापा को बता दूंगी। ये मिचियो के पापा के उधार की निशानी है, आज तक इसके पैसे भी नहीं चुकाए हैं और ना ही कभी चुकाएंगे।
चलो यू भी बाहर आओ, मेरे सवालों का जवाब दो। अंगूठी क्यों ली थी? अरे यू भी चला गया। बहुत अच्छा हुआ जो वो चोर यहाँ से चला गया। नहीं मम्मी, यू भी ऐसा नहीं कर सकता। अरे मेरी अंगूठी नहीं मिल रही थी, मैंने यू भी से पूछा तुम्हारे पास है तो कहता है नहीं, लेकिन उसके पास से ही मिली अंगूठी। यू भी के पास से ही मिली? नहीं तो क्या, मेरा दिमाग खराब है जो उसे बिना मतलब के डांटूंगी। जरूर यूबी ने जादुई मशीन से अंगूठी ढूंढी होगी। मम्मी आपने गड़बड़ कर दी, उसने तो आपकी खोई हुई अंगूठी ढूंढ निकाली। अंगूठी ढूंढ निकाली? उसके पास एक जादुई मशीन है जिसमें सब कुछ दिख जाता है। उसे चोर कहने से पहले कुछ तो सोचा होता आपने। सोचने का काम तो तुम्हारे पापा का है ना। ये बहुत बेकार जोक था। यूबी, यूबी कहाँ हो तुम? यूबी क्या यू भी घर छोड़ के चला गया? उसे ढूंढने में मदद करो। चलो उसे ढूंढने। मेरा पेट खराब है, मैं नहीं आऊंगा। कोई बहाना नहीं चलेगा, चलो मेरे साथ। वो लोग उस तरफ गए तो मैं इस तरफ जाता हूँ। कहीं अपने प्लैनेट पर वापस तो नहीं चला गया? अब मैं कहाँ ढूंढूं उसे? यूबी डरो मत, मैं आ रहा हूँ। उस डॉगी को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। यूबी डरो मत, यूबी आ जाओ। मुझे छोड़कर कभी मत जाना। बीबी, बीबी। अब वो डॉगी किसी को परेशान नहीं करेगा। बीबी, बीबी। हाँ? वो जादुई मशीन तो वहीं रह गई। कहाँ गई, कहाँ ढूंढूं? यूबी यहाँ मैं तुम्हारी जादुई मशीन ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो रहा हूँ और तुम वहाँ बैठकर मजे कर रहे हो। बीबी, बीबी, बीबी। एबीसीडी खेलेगा प्यारा यूबी। बीबी, बीबी। हेलो, मिचियो बोल रहा हूँ। हाँ पापा बोले, क्या बात है? मिचियो बेटा, मैं घर में आया, एक फोटो भूल रखना तुम जरा सा ध्यान। हाँ, एक फोटो? आसपास पड़ा है लिफाफा, एक देखो क्या? लिफाफा देखता हूँ। बीबी, बीबी, बीबी। फोटो मिल गई पापा। पापा बड़ी अच्छी फोटो है। बेटा नहीं, मत देखो इतना, दो घुसेड़ वापस में लिफाफे। तो पापा ये फोटो आपके पास क्या कर रही है? मम्मी को दिखा दूं क्या? नहीं, रखो दूर से मम्मी, दो फैक्स कर फोटो मेरे पास। अगर आप कहें तो ये फोटो मैं आपके पास ले आऊं मिचियो के पापा। मम्मी की मिचियो? कह तो मैं रहा था कि हो सबसे तुम ही अच्छी, मम्मी की मिचियो। अच्छी हो तुम हो अच्छी, अच्छी तुम हो अच्छी। बस बहुत हुआ। आइंदा अगर कोई फोटो घर में दिखाई दी तो रॉक एंड रोल बैंड के साथ जंगल चली जाऊंगी। बेटा पिछली बार जब तुम आए थे तो तुमने पैसे नहीं चुकाए थे, इस बार उधारी नहीं चलेगी, ठीक है? ओहो, आ फोटो गई अच्छी, गया बन काम। बीबी, बीबी। काम तो हो गया, चलो पार्क में चलते हैं। पार्क में मैं भी आऊंगा। अरे सर आप? अब पार्क में खेलना कूदना भूल जाओ और एग्जाम की तैयारी में लग जाओ। अब ये कौन सी एग्जाम की बात कर रहे हैं? तुम्हें सारे सब्जेक्ट पढ़ के आने, एक भी गलती करोगे तो पूरी स्कूल की सफाई करनी पड़ेगी। क्या क्या याद करूं? कौन से हैं रेड्डी सर के 25 सवाल?
बीबी 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 यू भी चुपचाप क्यों नहीं खेलता? ऐसे ही परेशान हूँ। बीबी 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 रेडी सर। बीबी बीबी बी हाँ ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? बीबी बीबी ये मैच क्या बना रहा हूँ? पता रानी बिल्ली बीबी 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 हाँ तो ये सब तुम कर रहे हो यूबी? यस अब मैं रेडी हूँ यूबी। अगर दम है तो मेरे हाथ से मम्मी पापा की वो फोटो बनवा के दिखाओ जो अंदर मेज पे पड़ी है। बीबी 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 ओए डर गए क्या? बीबी बीबी नहीं बनाऊंगा नहीं बनाऊंगा नहीं बनाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। वैसे मम्मी की ड्रेस में पापा और पापा की ड्रेस में मम्मी बिल्कुल परफेक्ट लग रहे हैं ना। यस अब हम इसका ट्रायल बाहर करने चलेंगे। तुम मेरे आसपास ही रहना यूबी। अगर ये ट्रिक काम कर गई तो फिर कल के टेस्ट में पास होने से मुझे रेड्डी सर तो क्या कोई भी नहीं रोक पाएगा। यस अब तो पक्का मेरे 100 में से 100 नंबर आएंगे टेस्ट में। अरे तुम यहाँ? मैं चाहिए हो। अरे ताके मैं तुम यहाँ क्या कर रही हो? हम तो घूमने आए थे, तुम इस बुक के साथ क्या कर रहे हो? वो नोटबुक हाथ में लेके पटाखू बनने की एक्टिंग मत करो, यहाँ सब जानते हैं कि तुम डब्बू हो। टाटिया तुम अपना मुंह बंद क्यों नहीं रखते? ए मीचियो बात मत पलटो, इतने ही पटाखू हो तो मैं जो सवाल पूछता हूँ उसका जवाब दो तो मैं हार मान लूंगा। ठीक है मुझे शर्त मंजूर है, पूछो जो पूछना है टाटियो। ठीक है तो इस शहर में जितनी भी पुरानी और ऐतिहासिक चीजें हैं उनका नाम लिख के दिखाओ। हाँ मीचियो शहर की एक भी ऐतिहासिक चीज छूटनी नहीं चाहिए नहीं तो नाक कट जाएगी। हाँ हाँ ठीक है बीबी कहाँ रह गए थे तुम? चलो अब जल्दी शुरू करो। तुम इतना फास्ट कैसे लिख रहे हो? देखते नहीं क्या लिख रहा है? इतनी जल्दी एक पेज? बीबी बीबी इस बार तो तुम जरूर पास आओगे। कल मैं क्लास में तुम्हारे पास ही बैठूंगा। वाह यूबी आज क्या रंग जमा सबके ऊपर। टाटेओ का मुंह तो खुला का खुला ही रह गया था, अब वो कभी मुझे परेशान नहीं करेगा। कल यही हाल सर का होने वाला है, मैं फर्स्ट आऊंगा। बीबी 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 नंबर वन बीबी बीबी नंबर वन ऑल द बेस्ट, मुझ पर नजर रखना यूबी। बीबी बीबी जल्दी से नीचे आओ यूबी। आ जाओ बीबी बीबी आज मैं इस किताब के कोने कोने में से सवाल पूछूंगा, अगर कोई जवाब नहीं दे पाया तो उनको स्कूल की सफाई करनी पड़ेगी, समझे बच्चों? ए, ये तो चीटिंग है, चीटिंग है ये, बॉल वापस दो, मैं तो भागते भागते थक गया, चीटिंग है ये चीटिंग। आधा घंटा और बाकी है। चलो यूबी अपना जादू दिखा दो। हाँ चलो शुरू करो, जल्दी इसका जवाब बताओ। बीबी 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 बीबी
चलो अब अगले सवाल का भी जवाब बताओ। वाह, देखने में तो सही जवाब लग रहा है। रेड्डी सर, आज तो आप गए काम से, अब दूसरे सवाल का जवाब दो। इतना भगा रहे हो मुझे, ये तो सीखेंगे चीटिंग। मुझे बॉल वापस दो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, रुक जाओ। चीटिंग कर दो मेरे साथ, मैं भी फंसा दूं तुम्हें। दीपू, हाँ, अरे ये क्या हो गया, ये बीच में यूबी का गायब हो जाता है। मीचियो, जवाब दीवार पर लिखे क्या, नीचे देख कर लिखो। यूबी जल्दी करो, जल्दी जवाब दो, क्या कर रहे हो, टाइम खत्म हो रहा है। यूबी बीबी, बीबी, अयो, ये क्या 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 हो रहा है, ये बच्चों, ये सवाल नंबर दो का जवाब। अरे क्या बात है सर, सवाल नंबर दो का आंसर बताने के लिए थैंक यू। बहुत लकी है जो आपने इस सवाल का जवाब बता दिया सर। है कौन सा जवाब, ये सवाल नंबर पांच का जवाब है। रांगे रांगे किसको मिला है जीरो और कौन बनेगा हीरो, थाती हो तो साशा। यस सर। थैंक यू यूबी, आज तो मैं इस क्लास का हीरो बनने वाला हूँ। साशा कावा। सर। डाइबुत्सु। आया सर। ठाकेमी। आई सर। अब तुम सब लोग घर पे जाओ, इस पर मम्मी डैडी का साइन लिखकर आना। सर आपने मेरा रिजल्ट तो दिया ही नहीं। मीचियो आओ, तुम भी रिजल्ट लेके जाओ।